एडिट पॉली कंटिन्यू करते हैं। तो एक मैंने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है, एडिट पॉली मॉडिफायर अप्लाई किया है, उसको कॉपी कर लिया है। अभी इसका एडिट पॉली मैं करता हूँ यहाँ से रिमूव, यहाँ पे ऑप्शन है मॉडिफायर डिलीट करने के लिए, तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन दिया है कन्वर्ट एडिटेबल पॉली, यहाँ से कर सकते हो एडिट कन्वर्ट, या फिर तुम राइट क्लिक करके यहाँ से भी इसको एडिटेबल पॉली कर सकते हो। ये है एडिट पॉली मॉडिफायर, वो है एडिटेबल पॉली। डिफरेंस क्या है, ये जो मैंने अप्लाई किया है बॉक्स के ऊपर, मैंने ये अप्लाई किया है मॉडिफायर से। ठीक है, अगर मैंने मॉडिफायर से अप्लाई किया है तो मुझे बॉक्स का प्रॉपर्टी वैसा का वैसा मिलेगा, और ये एक्स्ट्रा मॉडिफायर अप्लाई हुआ है जो है एडिट पॉली। और अगर मैं इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट करता हूँ इसके अंदर, तो डिफरेंस क्या कि ये एक बन गया ऑब्जेक्ट, इसका तुमको इसका भी तुमको हिस्ट्री मिलेगा नहीं, जैसे इसका बॉक्स प्रॉपर्टी मिलेगा नहीं। लेकिन अगर मैं अप्लाई करता हूँ मॉडिफायर से एडिट पॉली, तो मुझे बॉक्स का प्रॉपर्टी मिल जाता है, जैसे लेंथ विथ हाइट, तो दोनों के प्रॉपर्टी सेम है। अगर मैं ओपन करूँगा तो वर्टेक्स, एज, बॉर्डर, पॉलीगॉन, एलिमेंट्स, इसका प्रॉपर्टी ऐसा है। तो अगर मैं मॉडिफायर को भी ओपन करूँ यहाँ से, तो इसका प्रॉपर्टी क्या है, इसका प्रॉपर्टी भी सेम है, वर्टेक्स, एज, बॉर्डर, पॉलीगॉन और एलिमेंट। इसका शॉर्टकट है 1 2 3 4 5, शॉर्टकट इसके 1 for vertex, 2 edges, 3 border, 5 polygons, sorry 4 polygons और 5 elements, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे इसके शॉर्टकट्स होते हैं, दोनों का एक ही है यूज। लेकिन डिफरेंस क्या है, अगर मैं एडिट पॉली के अंदर जाऊँ तो यहाँ के अंदर यहाँ पे ऑप्शन दिया है एनिमेट का, तो इसका पॉली मोड एनिमेट हो सकता है। और अगर मैं जाऊँ कन्वर्ट टू पॉली करूँ इसको, तो इसका पॉली मोड एनिमेट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे उसने एनिमेट का ऑप्शन नहीं दिया है। तो ये डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं यूज करता हूँ वर्टेक्स कैसे यूज होते हैं, तो वर्टेक्स पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी ऑप्शन दिया सिलेक्शन मेथड, यहाँ से भी तुम वर्टेक्स को ऑन कर सकते हो, या भी शॉर्टकट 1 है। भी मैं जाता हूँ यहाँ पे मुझे मिलेगा एक टैब जिसका नाम है एडिट वर्टाइसेस, कि मेरा वर्टेक्स सिलेक्टेड है। एज भी जाऊँगा तो क्या है, एडिट एजेस। ठीक है, तो एडिट वर्टेक्स के अंदर क्या क्या कर सकते हैं वो सब ऑप्शन यहाँ पे ऑन हो जाएंगे। तो अगर मैं वर्टेक्स पे क्लिक करूँ ड्रैग करके इस तरह से, या फिर मल्टी करना है तो इस तरह से मल्टी सिलेक्शन भी कर सकते हो ड्रैग करके, तो वर्टेक्स को मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये वर्टेक्स रिमूव कर दी, लेकिन ये वर्टेक्स रिमूव करूंगा तो ये होगा प्रॉब्लम, क्योंकि कभी भी जो कॉर्नर वर्टेक्स होते हैं वो रिमूव नहीं करते, क्योंकि ये वर्टेक्स ज्वाइंट है, यहाँ पे 3 लाइन ज्वाइंट हुआ है, तो एक ये एज है, एक ये एज है और एक ये एज है, तो ये वर्टेक्स कभी भी हम इसको रिमूव नहीं करते। अगर वर्टेक्स रिमूव करना है तो बीच का जो एज होता है उसका वर्टेक्स, यहाँ वर्टेक्स है, यहाँ वर्टेक्स है, यहाँ वर्टेक्स है, वो रिमूव कर सकते हैं, लेकिन कॉर्नर के वर्टेक्स कभी भी रिमूव नहीं होते। उसके बाद में एक ऑप्शन दिया है ब्रेक वर्टेक्स। ब्रेक मतलब क्या, जैसे कि इसको 3 लाइन कनेक्टेड है, ये तीनों एज इसको कनेक्टेड है कॉर्नर्स को, तो ये तीनों फेस अलग हो जाएंगे, जैसे एक फेस है, ये एक फेस है और ये फेस है, तो ब्रेक करने से तीनों अलग अलग हो जाएंगे। कैसे, जैसे ब्रेक कर दिया, वर्टेक्स पे क्लिक करता हूँ तो होगा ये सेपरेट, ऐसे इस पर क्लिक करता हूँ ये होगा सेपरेट, ये टॉप का है ऐसे, और ये होगा सेपरेट ऐसे। तो अगर मैंने ब्रेक तो कर दिया, अभी मुझे फिर से इसको वेल्ड करना है, तो इसको मैं फिर से वेल्ड भी कर सकता हूँ। वेल्ड करने के लिए ऑप्शन दिया है, यहाँ पे वेल्ड ऑप्शन दिया है, इस वेल्ड से क्या होता है, तो वेल्ड कर सकते हो। जैसे मैं ये 2 करता हूँ सिलेक्शन पहले, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन 2 दिया है, एक दिया है वेल्ड, एक दिया टारगेट वेल्ड, तो सिलेक्शन को वेल्ड करना है मल्टी सिलेक्शन वर्टेक्स को एक साथ, तो वेल्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं सिलेक्ट कर लिया है, वेल्ड पे क्लिक कर दूँ तो अभी ये वेल्ड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वेल्ड के अंदर यहाँ पे चैनल बॉक्स के अंदर इसका जो डिस्टेंस है वो बहुत कम रहेगा। ठीक है, तो इस पे क्लिक करो बॉक्स पे, और ये जो डिस्टेंस है 0.1 का है, और 0.1 से ज्यादा डिस्टेंस यहाँ पे है, तो ये 0.1 का डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस यहाँ पे तुमको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से डिस्टेंस बढ़ाता हूँ, तो जब तक ये डिस्टेंस इससे मैच नहीं होता है इससे, तब तक ये वेल्ड नहीं होता है, तो अभी ये 4 से भी ज़्यादा डिस्टेंस है, तो मैं इसको और बढ़ाता हूँ, हो गया। उसके बाद में दिया है टारगेट वेल्ड, वेल्ड और टारगेट वेल्ड काम एक ही है, वर्टेक्स को वेल्ड करता है, तो टारगेट वेल्ड क्या करेगा कि
ये वर्टेक्स को मुझे इससे टारगेट करना है, तो ये वर्टेक्स यहाँ पे आके इसकी पोजीशन पे आके वेल्ड होता है, और अगर मैं वेल्ड यूज करूँ तो दोनों के सेंटर में ये वेल्ड होता है। तो ये डिफरेंस है वेल्ड और टारगेट वेल्ड में। तो मैं इस वर्टेक्स को क्लिक करता हूँ, टारगेट वेल्ड पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से इसको ड्रैग करके इसके ऊपर ऐसा ड्रॉप कर दो, तो ये हो जाएगा वैसा। तो ब्रेक के अपोजिट ऑप्शन दिया है वेल्ड, एक वेल्ड है और एक टारगेट वेल्ड है, दोनों को कैसे यूज करना है तो मॉडलिंग अपने हिसाब से कर सकते हो। अभी मुझे क्या करना है, इसका जो अगर मैं जाता हूँ यहाँ से लेफ्ट में, तो लेफ्ट में ऊपर नीचे, तो मुझे करना है अलाइन। तो जैसे हम अलाइन करते हैं, स्नैप टूल में जाके एक्सिस इनेबल एक्सिस कंट्रोल ऑन करके क्लिक करो, राइट क्लिक करो इसके ऊपर, तो उसके ऑप्शन ऑन हो जाएंगे, और यहाँ पे दिया है इनेबल एक्सिस कंट्रोल जो मेरा पहले से ही ऑन है। तो ऑन करने से बाद मैं इसको वाई को इसके वाई के साथ में स्नैप कर सकता हूँ, तो ये हो गए एक लाइन में। तो अगर मैं चेक फ्रंट में चेक करूंगा, लेफ्ट लेफ्ट में चेक करूंगा, तो ये प्रॉपर मेरा बॉक्स है। तो इस तरह से वर्टेक्स को मैं रिमूव कर सकता हूँ, ब्रेक कर सकता हूँ और वेल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। और क्या कर सकता हूँ वर्टेक्स के अंदर में, वर्टेक्स को मैं कर सकता हूँ एक्सट्रूड। जैसे मैंने ये दो वर्टेक्स पकड़ लिए, इस तरह से निकल रहे बाहर। अभी ये बाहर निकल के मतलब ये हो गया एक्सट्रूड, मतलब यहाँ से यहाँ तक इनका थिकनेस बढ़ गया। अभी इसके अंदर लेंथ बढ़ गया लेकिन थिकनेस नहीं है, तो मैं यहाँ पे दिया है विथ उसका, तो ये इस तरह से मैं इसको कर सकता हूँ। तो ये ऐसा कुछ मॉडल बनाना है तो तुम इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं अभी अभी तक मैंने इस विंडो को ओके नहीं किया, ये ओके का ऑप्शन है, प्लस मतलब क्या वहां से और ऐड हो जाएगा, जैसे ये ऐड हो रहा है, दिख रहा है ये, और ये ओके करने के लिए होता है, ये एड ऑन करने के लिए होता है, मतलब उसके अंदर और ऐड कर सकते हैं, प्लस होता है वही वैल्यू, सेम सेम हाइट और सेम विथ यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे होता है कैंसल, मतलब नहीं करना है, ठीक है। तो ये पहला जो ऑप्शन दिया हाइट है, उसके बाद में विथ दिया है, और उसको मैं अभी ओके करूंगा तो ऑन हो जाएगा। लेकिन ओके करने के पहले अगर मैं और वर्टेक्स सिलेक्शन कर दूँ कंट्रोल प्रेस करके एड, तो इस तरह से मैं मल्टी सिलेक्शन कर सकता हूँ। तो इस तरह से तुम इसको मॉडिफाई कर सकते हो, प्लस करने को देखो प्लस करके, तो इस तरह से ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट मॉडिफाई होता है। अभी तुमको ओके करना है तो तुम यहाँ से ओके कर सकते हो, प्लस करना है तो और प्लस करो, ठीक है। और अंडू करना तुम यहाँ से कमांड के अंदर ही इसको कंट्रोल जेड कर सकते हो। अभी उसको मैं ओके करता हूँ, तो ये मैंने बॉक्स के ऊपर किया है। तो वर्टेक्स के अंदर क्या क्या ऑप्शन देखे हमने, रिमूव, ब्रेक, एक्सट्रूड, वेल्ड, टारगेट वेल्ड और एक दर चाम्फर। चाम्फर क्या करता है, चाम्फर के लिए अभी यहाँ पे कोई वर्टेक्स नहीं चाम्फर करने के लिए सेंटर में, तो मैं नया ड्रॉ कर लेता हूँ बॉक्स या स्पेयर, उसके ऊपर मैं चाम्फर करता हूँ। तो अभी देखो एडिट पॉली में एडवांटेज क्या है, जैसे मैंने इसको ऑब्जेक्ट को भी ड्रॉ किया है, तो मेरे पास बॉक्स का प्रॉपर्टी वैसा का वैसा है, तो मैं कभी भी इसके ऊपर एडिट पॉली को रिमूव करूंगा तो मुझे बॉक्स मिल जाएगा सेपरेट। लेकिन यही चीज अगर मैं एडिटेबल पॉली में करता था, जैसे मैं इसको ही कन्वर्ट करता हूँ एडिटेबल पॉली के अंदर यहाँ से, तो मुझे इसका प्रॉपर्टी मिलेगा नहीं बॉक्स का। तो अभी मेरे पास बॉक्स है ही नहीं, तो मैं इसको रिमूव नहीं कर सकता क्योंकि एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो इस तरह से तुम ये एडिट पॉली का एडवांटेज ये है कि तुम इसके ऊपर इसको डिलीट करोगे तो बॉक्स मिल जाएगा, और मुझे इसके ऊपर एडिट करना है और तुम मैं नया एडिट पॉली डाल के उसको नया सेपरेट प्रॉपर्टी पे काम कर सकता हूँ। तो अभी मैं इसके ऊपर नया अप्लाई करता हूँ एडिट पॉली फिर से, और यहाँ पे ऑप्शन दिया है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स के अंदर अभी मैं चाम्फर यूज करता हूँ, चाम्फर क्या करेगा इस वर्टेक्स को ओपन करेगा। ठीक है, ये तो दो वर्टेक्स मैंने किए थे चाम्फर, सॉरी ये भी किए थे, तो ये मैंने चारों, ये जो चारों कॉर्नर से इनको चाम्फर किया है, तो इसके अंदर कंट्रोल प्रेस करता हूँ इनको भी चाम्फर करता हूँ, तो ये हो गया चाम्फर। तो चाम्फर अमाउंट दिया है कितना चाम्फर करना है, तो मैं यहाँ से अमाउंट बढ़ाता हूँ, तो इस तरह से कुछ ये चाम्फर हो रहा है। तो यहाँ पे स्पेस कम है तो यहाँ पे ये ज्वाइंट हो रहे हैं, तो इसको, तो ये तुम्हारे कॉर्नर्स चैम्फर हो गए, एक होता है चैम्फर एक होता है फिलेट, ठीक है। तो ये हो गया चैम्फर। तो अभी यहाँ पे ऑप्शन दिया है क्लोज और ओपन, तो यहाँ पे देखो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ वर्टेक्स चैम्फर अमाउंट यहाँ पे ऊपर लिख के आता है, जैसे मैं जाता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे ओपन चैम्फर लिख के आता है, तो इसको मैं इस तरह से ओपन कर सकता हूँ। ओपन मतलब क्या, इस अभी यहाँ का जो सरफेस था वो रिमूव हो गया। उसके बाद में दिया है कनेक्ट, कनेक्ट क्या होता है, जैसे मैं ये वर्टेक्स पे क्लिक करूँ और ये वर्टेक्स पे क्लिक करूँ, इसके बीच में मुझे कनेक्शन चाहिए, तो फिर मैं करता हूँ कनेक्ट, तो इस तरह से ये
कनेक्ट होता है, लेकिन अगर मैं अभी ये वर्टेक्स टू ये वर्टेक्स करूंगा तो कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अभी कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा कि बीच में एज आ गया, तो बीच में अगर एज आता है तो कनेक्ट नहीं होता है, ठीक है। इस तरह से अभी मैं ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स को क्लिक करूँ तो ये कनेक्ट हो जाएगा ऐसा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या होता है, फिर जैसे पॉलीगॉन मिल गया एक्स्ट्रा, तो इसके अंदर भी मुझे एक्स्ट्रा पॉलीगॉन यहाँ से इस तरह से मिल गए। तो अभी मुझे अगर इन दोनों को शूट करना है ऊपर, या फिर इसको शूट करना है ऊपर, या इसको अंदर शूट करना है, वो सब चीज़ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो मैं पॉलीगॉन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं ऐसे इसको एक्सट्रूड कर सकता हूँ। तुम डायरेक्ट शूट कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करो बॉक्स पे, व्यू में आओ, ऐसे इसको ड्रैग करो तो ये हो जाएगा एक्सट्रूड ऐसे। या फिर तुम इसके चैनल बॉक्स में जाओ और यहाँ पे दिया है अमाउंट, तो तुमको कितना एक्सट्रूड करना है प्लस माइनस, तुम उतना उसके अंदर एक्सट्रूड कर सकते हो। तो अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ, और सेम चीज़ अगर मैं यूज़ करूँगा स्पेयर के ऊपर, तो मैं स्पेयर को ड्रॉ करता हूँ, वर्टेक्स मोड में जाता हूँ, एडिट पॉली अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे दिया है वर्टेक्स, वर्टेक्स पे ऑल वर्टेक्स को मैंने एक साथ ड्रैग किया ऐसा, तो मुझे एक साथ सबको करना है एक्सट्रूड, तो मैं सबको एक साथ एक्सट्रूड कर सकता हूँ ऐसे। तो वो ओके एक्सट्रूड, किसको भी विथ नहीं है सिर्फ हाइट है, तुम्हें इनको हल्का सा विथ देना, तो मैं इस तरह से ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट जो मैंने वर्टेक्स को एक्सट्रूड करके इस तरह से बनाया था। तो मुझे इसको इनसाइड चाहिए तो मैं इसको इनसाइड भी कर सकता हूँ ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से तुम अलग अलग ऑब्जेक्ट इसके अंदर मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये मैंने इनसाइड एक्सट्रूड किया है, इसको मैं शिफ्ट एंड ड्रैग करता हूँ, ड्रैग करने के बाद में कॉपी रखना है, और यहाँ से एडिट पॉली रिमूव करता हूँ, नया एडिट पॉली अप्लाई करता हूँ, और इसके वर्टेक्स को मैं करता हूँ फिर से एक्सट्रूड, और जब एक्सट्रूड करूँगा मैं इसको तो अमाउंट में अभी प्लस रखता हूँ, तो इसको मैंने हल्का सा एक्सट्रूड किया है और अमाउंट प्लस रखा है। तो ये प्लस अमाउंट में ये माइनस अमाउंट, तो दोनों को मैंने क्या किया है एक्सट्रूड किया है। तो ऐसे तुम अलग अलग ऑब्जेक्ट बना सकते हो। अगर मुझे पूरे ऑब्जेक्ट पे नहीं चाहिए तो फिर मैं एडिट पॉली अप्लाई करता हूँ, वर्टेक्स मोड में जाता हूँ, फिर से व्यू को चेंज करता हूँ, और मुझे सिर्फ सेंटर में ही चाहिए, इतने पार्ट के अंदर ही मुझे अप्लाई करना है, तो उतना मार्किंग सिलेक्शन से ड्रैग करके सिलेक्शन करके उसके ऊपर फिर मैं अभी एक्सट्रूड अप्लाई कर सकता हूँ। तो तुमको कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे तुम क्रिएटिव ऑब्जेक्ट इसके अंदर बना सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा सिंपल एक्सट्रूड किया है वर्टेक्स को, तो एक्सट्रूड वर्टेक्स के अंदर ही मिलता है, एज के अंदर मिलता है, पॉलीगॉन के अंदर मिलता है, तीनों इसके अंदर तुम मतलब ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड कर सकते हो, वर्टेक्स यूज करके, एज यूज करके और पॉलीगॉन यूज करके। अभी मैं इसका पॉली रिमूव करता हूँ, नया एडिट पॉली अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर, वर्टेक्स मोड में जाता हूँ, फिर से ड्रैग करता हूँ उसको। तो जैसे अभी मैंने यूज किया एक्सट्रूड, तो वैसे मैं अभी यूज करता हूँ चैम्फर, तो चैम्फर यूज करूंगा यहाँ से, तो ये सब वर्टेक्स इस तरह से ओपन हो जाएंगे, तो मुझे इस तरह से कुछ ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, दिख रहा है कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल रहा है ऐसा। तो देखोगे तो यहाँ पे ये सब हो गया चैम्फर, इसको ओपन करना है तो मैं इसको यहाँ से ओपन भी कर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ से इस तरह से कुछ ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं ओके करता हूँ ऐसे, और अभी मुझे इसको ऑन ऑफ चेक करना है, तो मैं इसको ऐसे मोडिफायर को हाइड भी कर सकता हूँ, रिमूव करना है तो रिमूव भी कर सकता हूँ, नया करना है मॉडलिंग तो नया अप्लाई इसके ऊपर कर सकता हूँ। तो अभी क्या करता हूँ, मैं इसके सेगमेंट्स कम कर लेता हूँ, तो सेगमेंट कम कर लिया मैंने इसको इस तरह से 8 है, तो मैं इसको 12 कर लेता हूँ, थोड़ा बढ़ा देता हूँ, तो ये कम मुझे यहाँ पे डिवीजन मिल जाएंगे। तो अगर मुझे कम डिवीजन में काम करना है तो सेगमेंट पहले कम कर दो, फिर वर्टेक्स मोड में आके फिर इसको मैं चैम्फर कर सकता हूँ ऐसे। देखो ये ऑब्जेक्ट अलग है, ये ऑब्जेक्ट अलग है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे थोड़े सेगमेंट कम कर दिए, और फिर इसको ओपन करना है तो मैं इसको ऐसे ओपन भी कर सकता हूँ। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको शिफ्ट एंड ड्रैग करता हूँ कॉपी करने के लिए, पॉलीगॉन मोड में जाता हूँ, पॉलीगॉन मोड में यहाँ से, और मुझे क्या करना है ये ऊपर का इस ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा ड्रैग कर लेता हूँ साइड में, और साइड में ड्रैग करने के बाद में पॉलीगॉन में जाता हूँ, और ये जो ऑप्शन, ये जो इतने पॉलीगॉन्स है, इतने पॉलीगॉन्स को मैं रिमूव कर डिलीट कर देता कीबोर्ड से, तो मुझे ये इस तरह से ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, नीचे का भी नीचे, तो मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट मिल गया।
लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि इसका पायवट अभी भी वही पे जहाँ स्पेयर का पायवट था सेंटर में, तो इसका पायवट मुझे यहाँ रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है हायरार्की, यहाँ पे तुमको ऑप्शन मिलेगा अफेट पायवट ओनली। इससे क्या होता है, सिर्फ ये पायवट टू ही मूव होता है या फिर इस पे इफेक्ट आता है, इस ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसको ऑन कर लो, उसको बोलो सेंटर टू ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, नीचे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये इसके सेंटर में ऐड आ जाएगा, हो मतलब इसके सेंटर में आ जाएगा। तो क्लिक कर दो, आया सेंटर में। तो इसी ऑब्जेक्ट को मैं और मॉडिफाई कर सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को शिफ्ट एंड ड्रैग करूँ ऐसे, और इसको मैं कॉपी करूँ, जैसे मैं कॉपी करता हूँ इसको 10, तो मैंने इस तरह से इसको कॉपी कर दिया। और कॉपी करने के बाद इसी ऑब्जेक्ट को, अभी ये दो ऑब्जेक्ट मुझे नहीं चाहिए, ये तीन ऑब्जेक्ट, तो मैं इसको इन ऑब्जेक्ट को करता हूँ मैं आइसोलेट। आइसोलेट क्या होता है, जो सिलेक्टेड है उतना ही शो करेगा, उसको बोलते हैं आइसोलेट। ठीक है, तो आइसोलेट के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है आइसोलेट सिलेक्शन, तो इसे क्लिक करो तो सिलेक्टेड पार्ट हो जाएगा आइसोलेट और बाकी सब ऑब्जेक्ट हो जाएगा हाइड। तो मैंने किया इसको आइसोलेट, ठीक है, तो आइसोलेट कर दिया। तो ये सब ऑब्जेक्ट को मैं एक्स्ट्रा मॉडिफायर अप्लाई कर सकता हूँ, जैसे मैं अप्लाई करता हूँ इसको बेंड, बेंड पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ से मैं इसको ऐसे बेंड कर सकता हूँ, बस उसका एक्सिस मुझे चेंज करना है। वाई में तो मैं इसको इस तरह से वाई में चेंज कर दिया, और ये मेरा कुछ इस तरह से। तो अभी अगर मुझे एंगल चेंज करना है बेंड का डायरेक्शन या एंगल, तो मैं इस तरह से उसका एंगल भी चेंज कर सकता हूँ। इसके अंदर भी कुछ डिजाइन क्रिएट करना है, जैसे मेरे पास एक बॉक्स है, यहाँ पे अगर मैंने इसको एक बॉक्स को रखा है ऐसे, उसका जो फ्रंट फेस है उसको डिजाइन क्रिएट करना है, कुछ ट्रायंगुलर या कुछ अलग डिजाइन। तो इसके अंदर पहले मैं ऐड करता हूँ सेगमेंट्स, जिसे मैंने ऐड कर दिया विड्थ में 4 सेगमेंट्स ऐड कर दिया, हाइट में 4 कर दिया। तो यहाँ पे मुझे सब कॉर्ड मिल गए, तो मुझे कॉर्ड नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ एडिट पॉली, और यहाँ पे वर्टेक्स दिए है, तो ये वर्टेक्स के बीच में मैं करता हूँ कनेक्ट। ठीक है, और तो बहुत सारा डिजाइन ऐसा होता है जो तुम पॉली से बहुत इजी इजी बना सकते हो। इस तरह से कनेक्शन करना पड़ेगा, तो फिर मुझे अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, मतलब फेसेस मिल जाते हैं, जिसको मैं मॉडिफाई करके कुछ डिजाइन अच्छे से बना सकता हूँ। शिफ्ट एंड ड्रैग, कॉपी रखना है मुझे, इंस्टेंस रखना नहीं है। और इस ऑब्जेक्ट के मैं फिलहाल काम कर रहा हूँ, पॉलीगॉन मोड में जाता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ ऑल फेसेस, फ्रंट फेसेस मैंने किया है, बैक फेस कुछ काम नहीं किया है, फ्रंट में डिजाइन किया है। तो इसको अगर मैं करूँ एक्सट्रूड यहाँ से, तो ये यहाँ से ये इस तरह से बाहर आएगा एक्स्ट्रा पॉलीगॉन्स, लेकिन ये जो बाहर आ रहा है ये एक साथ आ रहा है, मुझे करना है बाय पॉलीगॉन। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है ग्रुप नॉर्मल्स और दिया है बाय पॉलीगॉन। तो उसके बाद में उसको मैं दे सकता हूँ आउटलाइन। आउटलाइन से क्या होता है, ये हो जाते हैं स्केल, तो इस तरह से स्केल हो जाएगा। और इसको मैं एडिट पॉली के अंदर जाता हूँ, और मुझे स्पेयर से क्या बना सकता हूँ, तो स्पेयर को यूज करके मैं बहुत सारी चीजें बना सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं पॉलीगॉन मोड में जाऊँ, मुझे ऊपर का फेस नहीं चाहिए, तो इसको रिमूव करके मैं इसको इस तरह से यूज कर सकता हूँ। और फिर इसके अंदर मुझे बेस क्रिएट करना है इसका, और तो मैं जाता हूँ फ्रंट में, यहाँ का पॉलीगॉन सेट कर लेता हूँ इस तरह से, या फिर मैं वर्टेक्स मोड में जाता हूँ, और ये जो आ रहा है इसको, ये दोनों को पकड़ के, जो नीचे ट्रायंगल आ रहा है इसको पकड़ के दोनों को आर प्रेस करके इसको मैं स्केल कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से स्केल हो जाएगा, तो इसका बेस परफेक्ट हो गया। जैसे कि अगर मुझे इसको स्केल करना है, तो मैं ऐसे स्केल कर सकता हूँ, ऐसे स्केल कर सकता हूँ इस तरह से, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मैं मॉडिफाई बना सकता हूँ। तो मैं स्पेयर लेके ये कुछ बेसिक ऑब्जेक्ट बनाया है, मुझे इसका ऊपर का फेस और कम करने हैं, तो मैं पॉलीगॉन में जाके उसके और फेस रिमूव कर सकता हूँ ऐसे। ठीक है, ये मैंने और फेस रिमूव कर दिया, इसको स्केल कर दिया ये पॉलीगॉन्स को। ठीक है, अभी उसके अंदर थिकनेस नहीं है, अगर तो मैं इसके अंदर थिकनेस भी ऐड कर सकता हूँ, इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ इतने ऑब्जेक्ट के ऊपर शेल। शेल क्या है, शेल एक मॉडिफायर है जिससे ऑब्जेक्ट के ऊपर थिकनेस आता है, तो शेल अप्लाई कर दिया, तो
तो इसके लिए थिकनेस आ गया, थिकनेस अमाउंट में करता हूँ 0.1 या फिर 0.1 ठीक है। तो इसके अंदर हल्का थिकनेस इसके अंदर ऐड हो गया है, तो यहाँ पे इनर आउटर अमाउंट दिया है और दिया है इनर अमाउंट, तो इसको मैं 0.1 इनर को भी कर सकता हूँ या फिर मैं इसको आउटर को भी कर सकता हूँ। तो इससे क्या होता है, इसके अंदर थिकनेस ऐड होता है, ठीक है। इसके अंदर अगर मुझे नीचे का पॉली, तो अभी क्या होगा, मैंने एक्सपेयर लिया, अभी देखो इसका मॉडिफायर कैसा है, एक्सपेयर लिया उसको स्केल किया है, ऊपर का पॉलीगन रिमूव किए हैं, फिर थिकनेस अप्लाई किया है, उसके ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ एक मॉडिफायर और, जो कि मेरा एडिट पॉली है, उसको पॉलीगन पकड़ लेता हूँ। मैंने नया मॉडिफायर अप्लाई किया है क्योंकि मैंने शेल अप्लाई किया है, तो शेल के ऊपर करना है एडिट, तो इसलिए मुझे उसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा नया मॉडिफायर्स जो मेरा एडिट पॉली है, ठीक है। मुझे इसको यहाँ से देना एक्सट्रूड करना है इसको, तो मैं इसको यहाँ से एक्सट्रूड करके इस तरह से कुछ ऑब्जेक्ट मॉडिफाई कर सकता हूँ ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई किया है। तो ऐसे बेसिक बेसिक चीजें तुम बहुत सारे बना सकते हो इसके अंदर, आर प्रेस करो, स्केल करो, तुमको इस तरह से कुछ और इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाएंगे, मतलब एक्स्ट्रा डिजाइन तुमको इसके अंदर ऐड हो जाएगी, ठीक है ऐसे। इसको मैं डिलीट करता हूँ और मैं और स्पेयर लेके मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैं पॉली इसको एडिट पॉली किया करता हूँ, एडिट पॉली मैंने इसको कर दिया, इसके पॉलीगॉन मोड में गया और इसको इतना पार्ट को मैंने डिलीट कर दिया, फिर से वही सेम कर रहा हूँ और इसको मैं हल्का सा स्केल कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये इस तरह से मैंने कुछ बनाया है, अभी मुझे क्या करना है, इसके एज पकड़ने हैं, एज मतलब क्या, इसके आउटर ऊपर का टॉप का सब एजेस, तो पूरा बॉर्डर मुझे सिलेक्शन हो जाएगा ऐसे, अगर क्लोज रहेगा तो बॉर्डर सिलेक्शन में होता है। तो इसको मैं इस तरह से आर प्रेस करता हूँ, आर एंड शिफ्ट एंड ड्रैग, तो मुझे आपसे एक्स्ट्रा पॉलीगॉन्स मिल जाएंगे। इसको मैं स्टैंडर्ड में कर डीएक्स मोड में करता हूँ, ठीक है। तो ये सब एजेस मैंने यहाँ से एक्सट्रूड किया है, कैसे किया है, बॉर्डर पे जाओ, क्लिक करो, शिफ्ट वाई एंड ट्रैक करो, तो एक्स्ट्रा पॉलीगॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे। अभी मुझे क्या करना है, जाता टॉप के अंदर और अभी मैं वर्टेक्स मोड में जाता हूँ और ये जो पॉलीगॉन्स है, सॉरी ये जो वर्टेक्सेस है, ये वर्टेक्सेस को मैं सिलेक्ट करता हूँ ऐसे और यहाँ से इसको स्केल करता हूँ। तो ये अंदर के वर्टेक्स नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं ऑल्ट दबाता हूँ और माइनस कर लेता हूँ, तो इसको मैंने इस तरह से स्केल कर दिया। स्केल करने के बाद में क्या हुआ, ये जो वर्टेक्स थे वो फ्लैट हो गए यहाँ से, ये फ्लैट होने के बाद में मुझे कुछ इस तरह से ये डिजाइन मिल गया, तो ये मेरा यहाँ से मैंने इसको फ्लैट कर दिया। मुझे इसको और इधर से फ्लैट करना है हल्का सा, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा आगे लेता हूँ, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ऐसे इनको सिलेक्शन करके आर प्रेस करके ड्रैग कर लेता हूँ, तो इधर से भी ये स्ट्रेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैं एक स्पेयर में से रेक्टेंगल क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये इतने मैंने एडजस्ट पकड़ लिए, तो इसको भी मैं ऐड करता हूँ इसके अंदर और आर प्रेस करके इसको ये एक्सिस में स्केल कर लेता हूँ, ठीक है। इसको भी ऐड करना है इसके अंदर, तो ऐसे ऐड कर लो। तो स्पेयर में से अगर मुझे ऐसा बॉक्स निकालना है तो मैं निकाल सकता हूँ, इसके पॉलीगॉन्स पकड़ लेता हूँ, जैसे ये पॉलीगॉन्स है, नीचे वाले पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन मोड में हूँ मैं, इसको मैं कर सकता हूँ एक्सट्रूड। एक्सट्रूड से क्या होगा, इसका इस तरह से हाइट बढ़ जाएगा, सॉरी इसको हाइट बढ़ा दिया, तो मतलब इसके अंदर इस तरह से होल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे इतना बड़ा होल नहीं चाहिए, तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा हल्का सा एक्सट्रूड, ठीक है। एक्सट्रूड कर दिया मैंने इसको, इतना एक्सट्रूड करना है, ओके कर दूंगा, ओके का ऑप्शन है, यहाँ पे दिया इंसेट, इंसेट कर दूंगा, तो ये होगा इंसेट, मतलब एक्स्ट्रा मेरा यहाँ पे फ्रेम बन गया, सिलेंड्रिकल फ्रेम, ओके करता हूँ, फिर इसको करता हूँ मैं यहाँ से एक्सट्रूड, तो यहाँ से और डिवीजन निकला है, मुझे उसको और छोटा करना है, तो मैं इसको अभी आर प्रेस करके स्केल कर सकता हूँ और एक्सट्रूड इसको करके फिर इसको मैं ऐसे क्रिएट कर सकता हूँ।
ठीक है। तो इस तरह से तुम डिजाइन, बहुत सारा डिजाइन क्रिएट कर सकते हो।